आज भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इंदु कंवल शिव साहिबा, जो कि मिशन डायरेक्टर है जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की। बात करते हैं इनके साथ डिपार्टमेंट में स्कीम्स की और मिशन क्या है, मैंडेट क्या है इस डिपार्टमेंट का। साहिबा थैंक यू मैम आपके टाइम का। पहले हम दो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे, एक तो जो ये मिशन JKRLM है इसका मैंडेट क्या है, दूसरा ये कि इसका मिशन क्या है। मैंडेट है रूरल वुमन मैंडेट है। हम गांव में काम करते हैं, शहरों में नहीं, हम औरतों के साथ काम करते हैं, ये हमारा मैंडेट है। मिशन ये है कि जो औरत गांव की है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि गांव की औरत जो है वो एम्पावर्ड नहीं है, ये गलतफहमी को दूर करना है। गांव की औरत उतनी ही एम्पावर्ड है जितनी शहर की औरत है या और कोई औरत है, बस सिर्फ उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना। सो एनर्जीज को चैनलाइज करके उसको रोजमर्रा का पैसा कमाने के लायक बनाना है। सो लाइवलीहुड देना है और अपने आप में अपने आप से प्यार करना सिखाना है। थोड़ा अगर हम आपसे जानना चाहेंगे स्टेट्स क्या है इस टाइम डिपार्टमेंट का, इस वक्त का स्टेट्स क्या है। इस समय हम पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सारा 20 डिस्ट्रिक्ट में कवरेज है। 66,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और 540,000 औरतें मेरे साथ जुड़ी हैं। जब मैं 540,000 औरतें बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि इन पूरे कुनबे भी हमारे साथ, हाउस होल्ड भी जुड़े हैं। सो वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर नाउ। एक उम्मीद प्रोग्राम चल रहा है मिशन लाइवली के थ्रू, उस बारे में थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें, अवेयर करने की उन्हें जरूरत है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उम्मीद जो प्रोग्राम है जिसको JLK रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानते हैं, ये रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंदर आता है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि हमारे यूनियन टेरिटरी में पिछले 2012-13 से शुरू है। एक चीज़ एक गलत फहमी मैं और बता दूं, इसमें हम लोग औरतों को ग्रुप्स में बांधते हैं, गांव की औरत को 8 से 10 औरतों का एक ग्रुप बनाते हैं, 3 महीने तक इस ग्रुप को समझाते हैं कि कैसे काम करना है, 3 महीने बाद इनको कुछ पैसा रिवॉल्विंग फंड की शक्ल में दिया जाता है सरकार की तरफ से, फिर 6 महीने इनको देखते हैं कि उस पैसे का इन्होंने इस्तेमाल कैसे किया जो पैसा सरकार ने हम इनको दिया, फिर वो जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो इनको और थोड़ा पैसा मिल जाता है, उसके बाद फाइनली इनको बैंक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मैं जनरली एक मिसाल देती हूँ, जैसा बच्चा जो है माँ के पेट में 9 महीने रहता, ये मेरी स्कीम भी उसी 9 महीने के बाद हम बैंक के साथ इसको जोड़ते हैं और मेरे स्कीम के साथ, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के साथ जुड़ के औरतों ने लाखों भी कमाया है, औरतों की सेहत अच्छी हुई है, उनका फैसला लेने की क्षमता अच्छी हुई है। जो औरतें लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़ी हैं, क्या ये वही लड़कियां या औरतें हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है या इन जनरल इसमें? इस स्कीम के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही आपकी एलिजिबिलिटी है, वो है गांव की औरत। गांव की कोई भी औरत जो कि 60 साल से नीचे की उम्र में है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, वो इस स्कीम के साथ जुड़ सकती है, उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई भी वो नहीं। उम्मीद के बगैर इस प्रोग्राम के अलावा कोई ऐसी स्कीम है इस लाइवलीहुड मिशन में जो इन रूरल एरियाज की जो खवातीन हैं उनके लिए बेनिफिशियल? दो और स्कीम्स हैं, एक है हमारा SVEP स्टार्टअप वेंचर स्कीम है और एक है MKSP महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम। ये दोनों स्कीम्स बहुत अच्छी महिलाओं के साथ जुड़ी है। MKSP जो है वो महिला किसानों के साथ, जब किसान जो महिला का महिला किसान जो काम करती है वो जानवर के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, वो पशु सखी कृषि सखी है। जो हमारी SVEP की स्कीम है वो पूरे परिवार के साथ काम होता है, मतलब अगर हमारी औरत के घर में उसको हाथ में पेपर मैशे बनाना आता है मगर उसका जो घरवाला है वो साइकिल की दुकान करता है, उसका बेटा जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, तो हम उसके हस्बैंड को भी हेल्प करते हैं, उसके बच्चे को भी हेल्प करते हैं, वो पूरा कुनबा हम ले लेते हैं, वो SVEP। अच्छा, इस पूरा इस प्रोसेस को कैसे इन लड़कियों के साथ आप अप्रोच करते हैं, क्या इसके लिए कोई कमेटी है या ऑनलाइन प्रोसेस है, किस तरीके का है? देखिए कोई ऑनलाइन नहीं है, बिकॉज हम देहाती औरतों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कितनी कंप्यूटर की समझ है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं
वो उस चीज़ को ध्यान नहीं रखते, बट ये जो एक हमारी स्कीम है इसमें हमारा पूरा ग्राउंड पे काडर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स रहते हैं, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रहते हैं, मेरा स्टाफ है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, ये सारी औरतों को समझाने का काम करते हैं। तो जो भी औरत आपका ये प्रोग्राम सुन रही है वो देहात की है, उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बीपीएम, अपने डीपीएम और अपने सरपंच के पास चली जाए और बोले मुझे उम्मीद के साथ जुड़ना है, वो जोड़ने का काम हमारा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कश्मीर वैली में जहां हम भी खुद गए हैं, लाइक मच्छल एरिया है, इसी तरीके से भांडीपुरा का टेटवाल वगैरह है, उड़ी का एरिया है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ना फार फ्लंग एरियाज, बिल्कुल एक्सट्रीम फार फ्लंग एरियाज, इवन कि वहां इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल फैसिलिटी नहीं अभी तक, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कोशिशें हैं और क्या आप गए हैं वहां तक? हम लोग हर जगह पर गए हैं, 125 हम पुराने ब्लॉक्स में जा रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो 125 ब्लॉक्स का है, 125 में से 112 ब्लॉक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब जो बचे हैं वो 2022-23 में हम कवर कर लेंगे। तो जब तक ये साल ख़त्म होगा हम हर एक ब्लॉक में होंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा पैर जो है अच्छे से जम गया होगा। और ये जो 3-tier पंचायत सिस्टम का, इनका कितना रोल है इसमें आपके इस मिशन के साथ? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि जब भी गांव में औरत उम्मीद ग्रुप में कोई भी काम करती है, या विलेज ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी हमारी है, तो पंचायत को साथ लेके काम करेगी तो उसके काम की बढ़ोतरी होगी, उसके काम में फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, सरपंच साहब हो गए, BDC साहब हो गए, DDC साहब हो गए, कि प्लीज़ ढूंढिए अपने गांव में उम्मीद की औरत कहां पर है और फिर उनके साथ काम करिए, वो आपका टारगेट भी अचीव करके देगी वो औरत। जी, अब ये जो औरतें डायरेक्टली आपके डिपार्टमेंट के साथ अप्रोच करना चाहें तो उनके लिए कौन सा ऑल्टरनेट है? उनके लिए मैं दोबारा से यही बोलूँगी कि गांव में सरपंच के साथ मिलो, हमारी कोशिश है कि हम पंचायत को सारा कुछ समझाएंगे, तो अपने अपने पंचायती राज जो भी पंच है कोई या सरपंच है कोई, उसको बोलो मुझे उम्मीद के साथ जुड़ना है, तो हमारी उम्मीद के फोल्ड में बहुत सारे पंच सरपंच भी शामिल हैं। बीइंग ए मिशन डायरेक्टर, आपका नेक्स्ट स्टेप या प्रोग्राम या अगला जो मिशन है वो क्या होगा? अगला मिशन मेरा 3 हिस्सों में पड़ेगा। पहला कि हर एक औरत, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे LG साहब बोलते हैं, हर एक औरत साल में 1-2 लाख रुपया कमानी चाहिए। लखपति दीदी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी है, लखपति दीदी की ऐप, हमारा एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हर एक औरत जो गांव की है, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है, साल में 2 लाख रुपया कमाने की ताकत रखनी चाहिए। दूसरा, उसकी सेहत का मापदंड, उसके सेहत का स्टैंडर्ड अच्छा रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़नी चाहिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन देना है, यानी बैंक्स के साथ जोड़ना है। ये 3 मेरे आगे आने वाले टाइम। आखिर पर अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो? देखिए, आगे मैं ये आपके सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि उम्मीद एक ऐसी स्कीम है जो कि सरकारी स्कीम है। ये बार बार मैं बोलती हूँ कि कई लोग मैंने देखा, लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे वो क्या चिट फंड टाइप, वो नहीं है हमारी सरकारी स्कीम। सरकारी स्कीम में आपका पैसा बाइज्जत तरीके से बढ़ाया जाएगा, बहुत डिसिप्लिन स्कीम है। अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत आपको स्कीम की है, आप इमीडिएटली सरकार को बता सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को सबसे ज़्यादा, अगर आप अपने आप को अपने आईने में देखना चाहते हैं और अपनी इज्जत आईने में अच्छी करना चाहते हैं, तो उम्मीद JNK के साथ जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच मैम आपके प्रेशियस टाइम का। थैंक यू।